या तो बस में हो कार में हो ट्रेन में हो उसे कहते हैं ट्रैवलिंग अगेन ट्रैवलिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बस कार और ट्रेन सेकंड वन एक्साइटेड मीन्स वेरी ईगर एंड हैप्पी टू नो अबाउट समथिंग किसी किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक होना दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड अगेन excited, very eager and happy to know about something. Next one, harvest. Harvest का क्या मतलब होता है To cut the crops after ripening. में जब किसान खेत में अनाज उगाता है और वो पक के तैयार हो जाते उसके बाद जो कटने का टाइम आता है उसे कहते हैं हार्वेस्ट अगेन हार्वेस्ट मीन्स टू कट द क्रॉप्स आफ्टर राइपनिंग अब उसी से रिलेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल का क्या मतलब होगा सेलिब्रेशन ऑफ द फूड ग्रोन ऑन द लैंड जब अच्छी सी फसल पकने के बाद तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी मनाने के लिए हमारे इंडियंस फार्मर अलग अलग त्यौहार मनाते हैं उसे कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तो कौन कौन से फेस्टिवल्स है हारवेस्ट फेस्टिवल्स इंडिया में येस yes. एक तो है बिहू, ओनम पोंगल बैसाखी ये कुछ खास फेस्टिवल्स है जो फसल पकने के बाद मनाए जाते हैं सेलिब्रेशन मार्क एन इम्पोर्टेंट ओकेशन बाय डूइंग समथिंग स्पेशल यानी कोई भी चीज़ हम जब अच्छा करते हैं तो उसको हम सेलिब्रेट करते कुछ स्पेशल चीज़ें करके दैट इज़ कॉल्ड सेलिब्रेशन अगेन सेलिब्रेशन मीन्स मार्क एन इम्पोर्टेंट ओकेशन बाय डूइंग समथिंग स्पेशल पीरियड टाइम लिमिट मीन्स दो टाइम के बीच में जो समय होता है उसे कहते हैं पीरियड पीरियड मीन्स टाइम लिमिट नेक्स्ट वर्ड इट ट्विंकल स्पार्कल चमकना कोई भी चीज चमकती है तो वीकेंस से ट्विंकल और स्पार्कल ईगर वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग ईगर का मतलब कोई भी चीज़ जानने के लिए उसमें बहुत इच्छा होना और बहुत एक्साइटेड होना उस चीज जानने की इच्छा ज़्यादा होना देट इज़ कॉल्ड ईगर नाइंथ वर्ड एंथुजियास्टिकली मीन्स विथ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट सेम लाइक इगर इट इज देयर मगर उसमें कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होकर ना ना हाँ हाँ मुझे जल्दी जल्दी उस चीज के बारे में जानना है तो दैट इज कॉल्ड एंथुजियाटिकली मीन्स विथ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट नेक्स्ट वन अराइवल द प्रोसेस ऑफ कमिंग ऑफ अ पर्सन और थिंग मीन्स कोई भी चीज या पर्सन के आगमन को हम एराइवल कहते हैं what is arrival the process of coming of some person or thing cultivation ye bhi farming se related hai prepare and use land for crops crops ke liye zameen ko hal ke dwara khodna usme beej bona usme pani dena use crops के लिए, लिए तैयार करना उसे कहते हैं cultivation. Cultivation means

रूम वेरी नाइसली यानी सजाना पूरी जान लगा देते हैं उसे सजाने में तो दैट इज कॉल्ड डेकोरेट ब्लैक ग्राम यानी काला चना और उसको पीस के जो बनाते हैं उसे कहते हैं बेसन गारलैंड यानि फूलों की माला वॉट इज गारलैंड यस फूलों की माला कीप सेक मीन्स गिफ्ट गिवन सो दैट यू विल रिमेम्बर देम कोई भी ऐसी चीज़ सामने वाले व्यक्ति को देना ताकि वो हमें उस चीज़ के द्वारा हमें हमेशा याद रख सके दैट इज़ कॉल्ड कीप सेक जॉयस मीन्स वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश दैट इज़ कॉल्ड जॉयस ब्रिस्क मीन्स क्विक कोई भी चीज़ फटाफट जल्दी जल्दी करना देट इज़ कॉल्ड ब्रिस्क नेक्स्ट डिलइटफुल मीन्स वेरी प्लेजेंट बहुत अच्छा बहुत खुशनुमा देट इज़ कॉल्ड डिलइटफुल वेरी प्लेजेंट नेक्स्ट इज़ फीसटिंग मीन्स दावत जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो दावत तो होती ही है येस तो फीसटिंग मीन्स दावत बोन फायर मीन्स अ लार्ज आउटडोर फायर यानी गाँव में क्या होता है स्पेशली कि वहाँ बिजली नहीं होती है तो खेतों में वो अपने फसल का ध्यान रखने के लिए बड़ी सी आग जलाते हैं वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं इसलिए आग जला के रखते हैं दैट इज कॉल्ड बोन फायर तो ये सारे ग्लॉसरी वर्ड्स है आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग है ताकि आप लेसन आसानी से समझ सके एक बार और अच्छे से आप ये रीड कर लेना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग चलो So now we are ready for the lesson. Yes, Ma, Baba, and I were traveling to Guwahati to visit Aunt Ratna's family. I was very excited to visit Assam. Aunt Ratna had once told me that Assam is one of the most beautiful states in India. She has also said that. आसाम इज़ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर एंड द थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ बीहू आर इट्स इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन अब अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि वॉट इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ सो यहाँ तीन मैन कैरेक्टर्स है जो मैंने पहले ही बताया था जो लेखक है जो छोटा बच्चा है वो उसके मम्मी पापा वो गुवाहाटी जा रहे हैं गुवाहाटी क्या है यस yes, आसाम का कैपिटल किसके घर जा रहे हैं यस yes, आंट रत्ना के फैमिली के वहाँ आंट रत्ना के घर पे जा रहे हैं एंड दिस लिटिल बॉय ही इज़ वेरी एक्साइटेड वो बहुत खुश है आंट रत्ना हैड वंस टोल्ड हिम दैट आसाम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट्स इन इंडिया एंड विच इज़ इन द ईस्ट आंट रत्ना ने उसे बताया था कि एक बहुत वेरी ब्यूटीफुल स्टेट बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है आसाम इसलिए उस बच्चे को बहुत जिज्ञासा है उसे देखने की आ, उस और आंट रत्ना ने और क्या बताया था आसाम इज़ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर लाइक अदर स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री पंजाब बिहार यूपी एक्सेट्रा आसाम इज़ ऑल्सो और आसाम और किस किस के लिए प्रसिद्ध है yes उसके टी गार्डन्स के लिए वहाँ पे चाय के बागान है यस टी गार्डन्स के लिए और वहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी उसके लिए प्रसिद्ध है और वन हॉर्ड राइनोसर्स इसके लिए आसाम खूब जाना जाता है आंट रत्न ऑल्सो टोल्ड आसाम है थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आसाम के वहाँ तीन प्रमुख फेस्टिवल मनाए जाते हैं और वो कौन से है यस बिहू लेखक जो एक छोटा बच्चा है आसाम जा रहा है अपने आठ रत्ना के घर पे अपने मम्मी पापा के साथ वह बहुत खुश है क्योंकि उसने आसाम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं चाय बागान है ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे फेस्टिवल इतने धूमधाम से मनाया जाता है यस yes. सो so, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड चलो हम थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हु आर गोइंग टू गुवाहाटी गुवाहाटी कौन कौन जा रहे हैं यस yes, ये है गुवाहाटी तो हु ऑल आर गोइंग टू गुहाटी थिंक स्टूडेंट्स यस नैचुर माँ बाबा एंड द ऑथर जो एक छोटा बच्चा है हु इज अ लिटिल बॉय आर गोइंग टू गुहाटी नेक्स्ट वेर आर दे गोइंग ये तीनों कहाँ जा रहे हैं किसके घर पे जा रहे हैं यस yes, तो क्या आएगा दे आर गोइंग टू विजिट आंट रत्ना फैमिली इन गुवाहाटी आंट रत्ना के घर पर जो गोहाटी में है वहाँ वो जा रहे हैं नेक्स्ट वन वॉट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ आसाम आसाम की क्या स्पेशलिटी है येस yes, तो आसाम इज द ब्यूटीफुल स्टेट रिच इन एग्रीकल्चर द थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ बीहू आर इट इम्पोर्टेंस सेलिब्रेशन और ये टी गार्डन फिर ब्रह्मपुत्र नदी वन हॉन ये भी उसकी खासियत है अब अच्छे से समझ गए होंगे फर्स्ट पैराग्राफ अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की ओर आई आस्ट बाबा टू टेल मी मोर अबाउट बिहू। ही सेड द आसम ए सेलिब्रेट थ्री टाइप्स ऑफ बिहू इन ईयर रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है ऐट द स्टार्ट ऑफ शोइंग ऑफ सीड्स कोंगाली बिहू वैन द शोंग इज कम्प्लीटेड एंड भोगाली बीहू एट द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग नाउ दिस बॉय इज वेरी क्यूरियस वो जानने के लिए बहुत उत्सुक है सो ही आस्ट हीज फादर टू टेल ही मोर अबाउट बीहू उसे जानना है इसलिए उसने अपने पापा से पूछा के मुझे और बताइए बिहू के बारे में देन हिज फादर एक्सक्लेम एक्सप्लेन हिम दैट द पीपल ऑफ़ आसाम सेलिब्रेट थ्री टाइप्स ऑफ बिहू इन ईयर साल में तीन प्रकार के बिहू मनाते हैं सबसे पहले वो कौन सा मनाते हैं रोंगाली बिहू। जब वो खेत में बीज बोने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले वो ये त्यौहार रोंगाली का मनाते हैं उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोंगाली बिहू और ये कब मनाया जाता है जब उन्होंने अपने खेतों में सारे बीज बो दिए होते हैं बोने का बुआई का काम कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद कौन सा बीहू मनाते हैं यस कोंगाली बीहू एंड देन द लास्ट वन थर्ड जो मनाते हैं वो कौन सा है यस yes, भोगाली बिहू और वो कब मनाया जाता है जब खेत में फसल पक के तैयार हो जाती है कटाई का टाइम होता है या काट के वो रख देते उसके बाद यह भोगाली बीहू मनाया जाता है तो चलो हम थोड़ा इस पैराग्राफ को भी रिवाइज कर लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के बीच आर द थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बीहू एक्सीलेंट स्टूडेंट्स सबको पता है यस yes. तो थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहू आर रोंगाली बिहू कोंगाली बिहू एंड भोगाली बिहू अब इसकी क्या विशेषता है कब मनाई जाती है यस yes. रोंगाली बिहू जो फसल बोने के समय मनाया जाता है कोंगाली बिहू जो बु बुआई ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है और भोगाली बिहू जो फसल पकने और कटाई के बाद मनाया जाता है सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर फर्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर इलेवन नाउ टर्न ऑन टू पेज नंबर ट्वेल्व पहले हम थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं इन फैक्ट वी आर गोइंग जस्ट इन टाइम फॉर रोंगाली बिहू सेड माँ विथ हर्ड ट्विंकल इन हर आई वैन वी रिस्ट गुवाहाटी We were welcomed warmly by Uncle Pramod and Aunt Ratna. My parents told them how eager I was to know about Bihu, and they enthusiastically described the festival to me. चलो अब इस पैराग्राफ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। His mother is also very excited. उसकी मम्मी है, वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है और जब इस बारे में बात करती है तो उसके आँख में एक अलग से चमक आ जाती है और वो कहती है कि दे आर गोइंग देयर जस्ट एट द टाइम ऑफ रोंगाली बिहू के इस समय आसाम में रोंगालु बिहू मनाया जा रहा है और हम उस टाइम पे जा रहे हैं एग्जैक्ट टाइम पे जा रहे हैं है। आफ्टर रीचिंग गुवाहाटी जब वो गुवाहाटी पहुँच गए वो तीनों का स्वागत बरम बड़ी गर्मजोशी से अंकल प्रमोद और आंट रत्ना ने किया द लिटिल बॉयज पेरेंट्स टोल दैम दैट ही वॉज़ एक्साइटेड टू नो अबाउट बिहू उनके मम्मी पापा ने आंट रत्ना और अंकल प्रमोद से बताया कि ये बहुत उत्सुक है बिहू के बारे में जानने के लिए तो उनके अंकल आंटी भी बहुत इंटरेस्टेड हो गए एंड देन अंकल प्रमोद ने विस्तार से बिहू के बारे में सब कुछ उस छोटे से बच्चे को समझाया अब क्या बताया अंकल प्रमोद ने वो हम देख लेते हैं रोंगाली बिहू इज द आसामीज न्यू ईयर बिगेन अंकल इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग वी यूज़ुअली सेलिब्रेट इट इन द मिडल ऑफ अप्रिल एवरी ईयर इट इज कॉल्ड रोंगाली बिहू बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स टू द पीपल तो ये सारी चीज़ें अंकल प्रमोद ने उस छोटे बच्चे को समझाए कि वो कैसे इस त्यौहार को मनाते हैं उसकी शुरुआत कैसी होती है अंकल प्रमोद टोल दैट रोंगाली बिहू इज़ द आसामीज न्यू ईयर कि जो रोंगाली बिहू है वो आसामी लोगों का न्यू ईयर है और वो कब आता है जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है स्प्रिंग यानि उस मौसम में फूल खिलते हैं तो दैट दैट टाइम दिस फेस्टिवल कम्स और ये कौन से महीने में आता है इन द मिडल ऑफ अप्रैल अप्रैल महीने के बीच में हर साल ये मनाया जाता है और इसे रोंगाली बिहू क्यों कहा जाता है क्योंकि ये लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आता है इसलिए इसे रोंगाली बिहू कहा जाता है तभी देन विल टर्न ऑन टू नेक्स्ट वन एक्चुअली वी सेलिब्रेट रोंगाली बिहू ओवर सेवरल डेज कंटिन्यूड आंठ रत्ना सिंस बिहू इज अबाउट फार्मिंग एंड कल्टिवेशन फार्मर्सेंट अ होल डे डेकोरेटिंग देयर कैटल दे बेथ देयर काउज एंड बुल्स विथ मा हल्दी अ पेस्ट ऑफ सम ब्लैक ग्राम एंड अ लिटल टर्मरिक आफ्टर दिस दे डेकोरेट द एनिमल विथ अ फ्यू गारलेंट्स फिर आंथ रटना वो भी एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो उस छोटे से बच्चे को बिहू के बारे में विस्तार में समझाती है क्या कहती है वो के दे सेलिब्रेट रोंगाली बिहू फॉर सेवरल डेज वो कई दिनों तक मनाया जाता है रोंगाली बिहू क्योंकि ये बिहू फेस्टिवल खेती और ग्रोइंग क्रॉप से रिलेटेड है तो वो अपना पूरा दिन अपने कैटल को यानि कैटल यानी काऊ बफेलो वो सबको सजाने में लगा देते हैं ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो कितने अच्छी तरह से उन्होंने अपने काऊ और बफेले को सजाया हुआ है फूलों की माला है सबसे पहले क्या करते हैं वो उनको एक हल्दी का पेस्ट और वो जो बेसन होता है उसका पेस्ट बना के पहले उसको काऊ को अच्छे से नहलाते हैं फिर बाद में उसको धोते हैं और उसको फिर फूलों की माला से जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं वैसे उन्हें सजाया जाता है क्योंकि वो उनको खेती के दौरान ये एनिमल्स उनको प्लाउिंग में काम आते हैं इसलिए उनका थैंक्स करने के लिए वो इनको इतनी केयर करते हैं उनको इतनी, है, इतनी इज्जत देते हैं आए समझ में बच्चों के जो चीज़ हमें हेल्पफुल होती है उसका शुक्रिया किसान किस तरह करते हैं चलो नाउ विल टर्न ऑन टू द नेक्स्ट वन अब दूसरे दिन क्या हुआ वो हम देखते हैं द नेक्स्ट डे वी ऑल वोर न्यू क्लोथ्स एंड वेलकम अंड एंड अंकल्स फ्रेंड एंड रिलेटिव आई कुडेंट स्टॉप ईटिंग द टेस्टी लारू एंड पीठा ट्रेडिशनल आसामीज स्वीट्स आई सॉ मैनी पीपल गिफ्टिंग ईच अदर हैंड ओवन क्लोथ्स कॉटन टॉवेल कॉल्ड गमोसास तो अब नेक्स्ट डे जब बिहू का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया तब उन्होंने क्या किया वो हम देखते हैं ऑल ऑफ देम सभी ने नए नए कपड़े पहने और उनके आंट रत्ना प्रमोद के घर पे जो भी मेहमान आए उनका उन्होंने गर्म जोशी से स्वागत किया और इस दिन कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी थी उनके घर पे यस लारू और पीठा ये स्पेशल डिश है जो रोंगाली बिहू में बनाया जाता है और इस छोटे से बच्चे को ये स्वीट बहुत पसंद आए और वो उसे खाता रहे वो उसका मन ही नहीं हुआ कि मैं रुकूं कंटिन्यूसली ही गो ऑन ईटिंग और उसने उस दिन एक और चीज़ देखी कि जो भी लोग आ रहे थे वो अपने हाथ में कुछ लेके आ रहे थे और जो हाथ से बुना हुआ था और एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में दे रहे थे जिसे कहा जाता है गमोसस क्या कहते उसे गमोसास येस्ट नाउ अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो हमने आगे देखा उसे रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वेश्चंस नहीं देखते चलो ट्रू ऑफ वर्स के रूप में हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया तो चलो हम बच्चों को पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन

Is it right or wrong? Yes, naturally it's wrong. तो so, कब मनाया जाता है बिहू रोंगाली बिहू Yes, रोंगाली बिहू is celebrated in the middle of April. And many मनाया जाता in the middle of April मनाया जाता है Next one, people do not exchange gifts during this festival. वो एक दूसरे को gifts नहीं देते Naturally it is wrong. क्या देते हैं गिफ्ट्स के रूप में यस yes, गमोसास देते हैं जो हाथ से बुना होता है वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन दे ऑल वोर न्यू क्लोथ्स एंड वेलकम्ड अंकल प्रमोद एंड आंट रत्नास फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सो इजी यस नेचुरली इट इज़ करेक्ट क्योंकि उन्होंने बिहू रोंगाली बिहू के दिन नए नए कपड़े पहने और उनके घर पे जो भी मेहमान और रिलेटिव आए सभी का स्वागत गर्म जोशी से किया वेरी गुड चलो हम अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर ट्वेल्व क्या है वो एक बार रीड कर लेते हैं आंट रत्ना एक्सप्लेन

कि क्यों सब हाथ में गमोसाज लेके आ रहे हैं तो आंट रत्नी ने बताया कि आसामीज़ लोग जब भी आते हैं तो एक गिफ्ट के रूप में या अपने बड़े हो उसको आदर देने के लिए ये गमोसाज एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं और आंट रत्ना ने भी उस छोटे से बच्चे को एक रेड और वाइट बुना हुआ गमोसाज दिया ताकि वो भी जब अपने वहाँ राज्य में वापस चला जाए तो उसे आठ रत्ना और फैमिली हमेशा याद रहे तो यादगारी के रूप में गमोसास इस दिन दिया जाता है